हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आभा ट्रेड के बारे में। आभा ट्रेड से आप लोग कैसे पैसा कमाएंगे और इस ऐप को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन से अलग से आपको फीचर देखने को मिल जाता है इस ऐप में। अभी के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता हुआ नज़र आ रहा होगा आपको आभा ट्रेड का, तो ये कितना हद तक ट्रस्टेड बनता है, क्या हम लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, सब कुछ आज की इस वीडियो पर हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डाउनलोड्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए, ये जो ऐप है काफ़ी दिन हो चुका है, ये लॉन्च हुआ है काफ़ी दिन, मतलब काफ़ी समय हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 मिलियन प्लस का आपको डाउनलोड भी देखने को मिल रहा है। और रिव्यूज़ की बात करें, काफ़ी कम लोगों ने इसका रिव्यू दिया है वन कंपेयर टू डाउनलोड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना 9K यानी कि 9000 लोगों ने इसका रिव्यू दिया है, और रिव्यू जो है कि 4.2 स्टार देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा स्टार आपको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट हम लोग इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे थोड़ा सा आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एक हो गया यहाँ पे क्रिएट ए लाइव अकाउंट और यहाँ पे क्रिएट ए डेमो अकाउंट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे क्रिएट डेमो अकाउंट जो है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, लाइव अकाउंट बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है। जब आप यहाँ पे लाइव अकाउंट क्रिएट करेंगे तब आपका जो है कि रियल मनी यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या, पहले आपको क्या करना है, डेमो अकाउंट के ओर लॉगिन कर लेना है। उसके बाद अगर आपको ये ऐप पसंद आए तो फिर आप रियल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों अकाउंट सेम होता है। रियल अकाउंट में सिर्फ आपका रियल मनी होता है, डेमो अकाउंट में सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कैसा ये ऐप है, वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ सिंपल तरीके से। यहाँ पर देखिए, ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर यहाँ पर जो है कि अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो साइन अप करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो स्टार्ट ट्यूटोरियल के ऊपर क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका कौन सा फीचर कहाँ पे है वो दिखाता है। तो यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ। ठीक है, तो काटने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जिसमें भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे सर्च वाला भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जिस भी एसेट में आपका एक्सपीरियंस है, लाइक मेरे तो बिटकॉइन पर ज़्यादातर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, तो बिटकॉइन का मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बिटकॉइन को खोजूँगा या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन सर्च वाला है तो यहाँ पर मैं आकर लिख दूँगा बिटकॉइन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं BTC मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, BTC बिटकॉइन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखते हैं यहाँ पे बिटकॉइन आता है या फिर नहीं। तो देख सकते हैं बिटकॉइन USD का मैं यहाँ पे ज़्यादातर एक्सपीरियंस है, ज़्यादातर मैं यहीं पे करता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया है। और एक बात मैं बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ये जो ग्राफ चार्ट है वो लोडिंग लेने में थोड़ा समय लेता है। यहाँ पर देखिए, पहले तो नो डेटा लिखा हुआ आएगा, फिर उसके बाद ग्राफ चार्ट आता है। तो यहाँ पर ये भी एक आपको नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि नो डेटा पहले आपको लिखा हुआ आ रहा है। तो ये कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई डेटा नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एकदम सिंपल सा मेथड है। यहाँ पे ग्राफ चार्ट आपको दिया गया है जो कि कैंडल स्टाइल में आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा होता है एनालाइज करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे बाई करने की सलाह दे रहा है, कितने लोग यहाँ पे सेल कर रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बायर्स जो है कि 83% है, सेलर जो है कि कितना 17% है। तो यहाँ पे आप बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, यहाँ पे इसका जो ग्राफ है इसको सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना होता है, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म में आपको प्राइस प्रेडिक्ट करना होता है। ऊपर की तरफ अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस बढ़ेगा तो फिर आपको बाई के ऊपर क्लिक करना होता है, अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस घटेगा तो फिर यहाँ पर सेल के ऊपर क्लिक करना होता है। लेकिन उस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट के लिए अनुमान लगाना होता है। लेकिन इस वाले प्लेटफॉर्म पे आपको ये सुविधा है कि आप जितने देर रुक सके उतना देर तक आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आप ऑर्डर लगाएंगे वो ओपन रहता है, वो क्लोज़ नहीं होता है जब तक आप खुद उसको क्लोज़ नहीं करेंगे। बाकी अदर प्लेटफॉर्म में आपको क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए आपको प्राइस प्रेडिक्ट करने के लिए दिया जाता है। अगर आप 1 मिनट में सही लगाते हैं तो फिर ठीक है, अगर गलत लगाते हैं तो फिर आपका पैसा नुकसान में चला जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब तक आपको लगता है कि यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तब तक आप इसको क्लोज़ नहीं करेंगे।
ठीक है। तो क्लोज जब आप करेंगे तब आपका प्रॉफिट ही यहाँ पे होगा, लेकिन उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपके पास उतना पैसा भी होना चाहिए। अगर आपके पास 500 रुपये होगा और आप यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा देंगे और नुकसान पे चल रहा है, तो 500 रुपये से ज़्यादा अगर नुकसान हो गया तो फिर आपका पूरा का पूरा पैसा नुकसान में ही चला जाएगा, ठीक है। लाइक मैं अभी के टाइम पर डेमो आपको करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। अभी के टाइम पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देखिए अपर के ऊपर डाउन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेल करूँगा, नीचे की तरफ लगाऊँगा। देखिए इससे पहले ही मैंने 2 बार यहाँ पे लगाया था, देख सकते हैं, एक बार अपर के ऊपर लगाया था और एक बार डाउन की तरफ लगाया था, दोनों तरफ मैंने लगाया था। जो भी मेरा प्रॉफिट देगा उसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूँगा और मेरा प्रॉफिट गेन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे मैं क्या करूँगा, नीचे की तरफ ही लगाऊंगा, देख सकते हैं नीचे की तरफ मैंने यहाँ पे क्या किया, बाइक के ऊपर क्लिक किया। तो बाइक के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये एक बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा, जब भी आप कुछ भी क्लिक करेंगे बहुत टाइम तक लोडिंग लेता है, ताकि जितना भी आपका इंटरनेट जो आपका स्पीड है काफ़ी ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर आपका लोडिंग लेता है, यानी कि ये जो ऐप है काफ़ी स्लो काम करता है, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो चलिए देख सकते हैं, यहाँ पे बाइक सेल के ऊपर मैंने क्लिक किया है, कंफर्म का एक ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको लॉट सिस्टम है, तो कितना लॉट आप लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो शुरुआती तौर पे आपको कम ही लगाना है। अभी के टाइम पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए कंफर्म सेल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है कि सेल के लिए लग जाएगा मेरा ऑर्डर। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिर से लोडिंग ले रहा है, देख सकते हैं, हर बार मतलब कुछ भी आप करेंगे यहाँ पे आपको लोडिंग लेता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये जो ऑर्डर मैंने अभी के टाइम पे लगाया है और ये पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा बैलेंस है, यहाँ पे ये जो बैलेंस है आप देख सकते हैं, ये हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैलेंस यहाँ पे लग चुका है यही तीनों ऑर्डर में। अगर टोटल ऑर्डर मिलाकर मेरा 10,000 से ज़्यादा हो जाता है नुकसान, तो फिर मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक यहाँ पे मेरा नुकसान 10,000 से नीचे रहता है तब तक मेरा कुछ भी पैसा नहीं काटा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से माइनस होगा पैसा, ठीक है। लेकिन जब प्रॉफिट हो जाएगा तब यहाँ पे फिर से प्लस होता रहेगा, तो पूरा का पूरा आपका पैसा यहाँ पे लग जाता है। अभी के टाइम पे देख सकते हैं कितना, 72 रुपीज़ मेरा नुकसान पर चल रहा है, यहाँ पर 5 रुपीज़ और यहाँ पर 4 रुपीज़ यानी कि डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पे डॉलर में है तो डॉलर नुकसान चल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इतना इतना और इतना डॉलर आपका यहाँ पे नुकसान पे चल रहा है। टोटल ये जो सारा का सारा डॉलर है, टोटल नुकसान मिला के अगर 10,000 से ज़्यादा यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है करंट बैलेंस, इससे ज़्यादा हो जाता है तो फिर मेरा पूरा का पूरा पैसा कट जाएगा और सब कुछ ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। अगर उससे यहाँ पे जो पैसा है मेरे अकाउंट पे वो पैसा बहुत ज़्यादा है तो फिर मेरा यहाँ पे काफ़ी टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं देगा तब तक मैं इसको सेल करूँगा ही नहीं। तो यहाँ पे जब तक मुझे प्रॉफिट नहीं देगा मैं यहाँ पे सेल नहीं करूँगा, अभी के टाइम पे ऐसे ही छोड़ दूँगा। अभी के टाइम पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा नुकसान पे चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पे। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे कितना नुकसान पे चल रहा है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, पूरा का पूरा $266 का यहाँ पे देख सकते हैं नुकसान पे चल रहा है। टोटल मेरे पास कितना बैलेंस है अभी के टाइम पे, इक्विटी सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एकदम आसान तरीका है, अगर आप हिस्ट्री को चेकआउट करना चाहते हैं यानी कि आपका जो ओपन ऑर्डर है उसको अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एकदम आसान तरीके से जितना भी आपका ऑर्डर है सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे लगता है कि ये ऑर्डर मुझे यहाँ पे क्लोज़ करना है तो जैसे आप यहाँ पे ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका क्लोज़ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना मेरा $40 का मुनाफा हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा देख सकते हैं मेरा $40 का यहाँ पर अभी के टाइम पर प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज़ होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था ये एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा लेट में काम करता है, काफ़ी ज़्यादा लोडिंग लेता है। तो देख सकते हैं लोडिंग लेते लेते यहाँ पे जो है कि मेरा मुनाफा था कितना, 40। मैं आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर पे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, रुकिए, तो हिस्ट्री जो है कि यहाँ पर नहीं दिखाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर नीचे ट्रिपल डॉट पर आना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आएंगे देखिए यहाँ पे हिस्ट्री वाला एक सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे $40 का प्रॉफिट हुआ था और जब मैं यहाँ पे ऑर्डर को क्लोज़ किया तो लोडिंग ले रहा था, ठीक है।
तो जब लोडिंग ले रहा था, लोडिंग लेने के वक्त जो है कि फिर से यहाँ पे नुकसान पे आ गया और जो है कि मेरा सिर्फ और सिर्फ $17 का ही प्रॉफिट हुआ, यानी कि 40 से डायरेक्ट 70 हो गया, तो मेरा कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, जब तक आप इसका शॉर्टकट नहीं निकाल लेते या फिर कोई अपडेट वगैरह देखने को नहीं मिल जाता है, तब तक आपको ऐसे ही काम करते रहना है और ऐसे ही आपको जो है कि ट्रेडिंग करना है। अगर आप ऐसे ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप रियल अकाउंट में बेसिकली स्विच कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी था जिसको मैंने बताया है, और पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो एक जेन्युइन एप्लीकेशन है जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। काफ़ी सारे एप्लीकेशन में क्या होता है, ग्राफ को आपके मुताबिक मतलब ऊपर नीचे किया जाता है, मार्केट से कोई भी लेना देना नहीं होता है, तो ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है, एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। अगर आप यहाँ पर चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा पैसा अर्निंग नहीं होता है ट्रेडिंग से जितना कि एडवर्टाइजमेंट में दिखाया जाता है, ठीक है। तो वो भी मैं यहाँ पर कह देता हूँ, बहुत दिनों के बाद आप अच्छा खासा अर्निंग कर पाएंगे, जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आप यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग करना है, कैसे सब कुछ करना है। अगर आपको अच्छा लगा है इस वीडियो को तो फिर एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।